स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो जेक 2021 के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसमें सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचार्ड, जॉन स्टस्ट्रप, कैन थॉम्पसन, डेनिस रिची। तो सी प्लस प्लस जो है वो जॉन स्टस्ट्रप के द्वारा डेवलप किए गए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू ब्लैंक स्पेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए पास्कल, बी जावा, सी सी और डी बी। तो सी प्लस प्लस जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, नेम स्पेस, रिफ्लेक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो सी प्लस प्लस का फीचर नहीं है। बाकी जितने भी हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, नेम स्पेस, ये सभी के सभी सी प्लस प्लस का एक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडॉप्टेड बाय सी प्लस प्लस। बॉटम अप, टॉप डाउन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो सी प्लस प्लस के द्वारा जो है बॉटम अप का अप्रोच को एडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ए टोकन इज ए कीवर्ड, आइडेंटिफायर, अ स्मॉल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, एन ऑपरेटर। तो जो टोकन होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम होता है, इसको जो है लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए कीवर्ड इज एन आइडेंटिफायर इन लोअर केस अल्फाबेट रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली, नन ऑफ दीज। तो कीवर्ड जो होता है एक स्पेशल वर्ड होता है जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए रिजर्व किया जाता है, रिजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, मैन इज ए एन कीवर्ड, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, नन ऑफ दीज। तो मैन जो है वह एक फंक्शन है, मैन इज ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, हेडर फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन डॉट एच, डॉट एच ई, डॉट एच ई ए, डॉट एच ई ए डी। तो कोई भी जो हेडर फाइल होता है वो डॉट एच उसका एक्सटेंशन रहता है, इसको जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, कंडीशनल ऑपरेटर इज, तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है इसमें से सी वाला होगा, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस वी यूज मोड, आर ई एम, रिमाइंडर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑप्शन नंबर डी जो है उसको किसी भी सी प्लस प्लस में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज, तो इसमें से बी वाला स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है जो डबल कॉलन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू डबल प्लस प्लस, इसके बाद ओवरलोडेड, लेस देन सिंबल, डबल डबल इक्वल टू। तो इसमें ए वाला जो है इक्वल टू वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जब हम कहीं भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि राइट वाला जो वैल्यू है वो लेफ्ट की ओर असाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बैक स्लैश वी इज यूज्ड फॉर फॉरन फीड, लाइन ब्रेक, वर्टिकल टैब, अलार्म। तो जो बैक स्लैश वी है वो यूज किया जाता है वर्टिकल टैब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डबल कोट ए इज बुल लिटरल, इंटीजर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल। तो ए डबल कोट ए जो है स्ट्रिंग लिटरल है। एक चीज ध्यान दीजिए, जो कैरेक्टर लिटरल होता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट जो होता है वो हमेशा सिंगल कोट से बंद किया हुआ रहता है, वहीं अगर कभी डबल कोट से सराउंड किया रहता है तो वो स्ट्रिंग लिटरल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन सी प्लस प्लस सीन एंड सी आउट आर प्रीडिफाइंड स्ट्रीम, ऑपरेटर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दीज। तो जो सीन और सी आउट जो ये स्ट्रीम्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। सीन जो है वो आई स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं और सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन ए सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, कैस्केडिंग, नन ऑफ दीज। तो ये कैस्केडिंग होता है, जब एक ही स्टेटमेंट में एक से अधिक इनपुट या आउटपुट ऑपरेटर को यूज किया जाता है तो उसे कैस्केडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, सिंटेक्स एरर कम्स व्हेन
रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायोलेटेड व्हेन प्रोग्राम स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल व्हेन प्रोग्राम इज नॉट सेव्ड नन ऑफ दिस। तो सिंटेक्स एरर फर्स्ट वाला में आता है जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को वायोलेट कर जाता है। वही अगर सेकेंड वाला बात करें जब कोई भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं होता तो उसमें सिमेंटिक एरर आता है, और ना ही सेव करने पर कोई एरर नहीं आता लेकिन बीच में अगर प्रोग्राम कट जाए तो वो सारे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद कॉलोन सेमी कॉलोन कॉमा डॉट। तो इसमें सेमी कॉलोन होगा। सी प्लस प्लस में कोई भी जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा सेमी कॉलोन के साथ में ही एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइट स्पेस कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम। तो इसमें डी वाला होगा कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम। वही अगर ए का बात करें तो वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, तो ये गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी जो वेरिएबल नेम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वहीं अगर बी का बात करें वेरिएबल नेम हैव डिजिट्स, तो उसमें कोई भी वेरिएबल के नाम में डिजिट हो भी सकता है ना भी हो सकता है। सी वाला वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइट स्पेस, वेरिएबल में तो अंडरस्कोर को छोड़कर के कोई भी स्पेशल सिंबल यहां तक कि वाइट स्पेस भी अलाउ नहीं है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी वाला होगा कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर बुलियन वैल्यू होल नंबर्स रियल नंबर्स इंटीजर। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वो रियल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। वहीं बुलियन के लिए जो है बुल लिटरल्स का यूज होता है, होल नंबर के लिए जो है इंटीजर होता है और इंटीजर भी वही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम स्टार्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन फंक्शन वॉइड फंक्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें मेन फंक्शन से ही कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्लस माइनस एम परसेंट डिवाइड बाय। तो इसमें एम परसेंट आने की जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमारे पास तो उसमें हम रिमाइंडर निकाल ही नहीं सकते। आखिर उसमें कोई भी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे निकल सकता है, ये तो बस इंटीजर में ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंटेंट्स ब्लैंक स्पेस ए इंटीजर इंटीग्रल पार्ट ओनली बी फ्रैक्शनल पार्ट ओनली सी बोथ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट डी नन ऑफ दीज। तो इसमें सी वाला होगा कोई भी जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसमें बोथ दोनों ही इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों ही पार्ट को रखता है। क्वेश्चन नंबर 24। इन सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट ब्लैंक स्पेस डॉट हाइफन अंडरस्कोर। तो सी प्लस प्लस में कोई भी जो आइडेंटिफायर होता है वो अंडरस्कोर को छोड़कर के कोई भी स्पेशल सिंबल को ये नहीं रख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम इज वैलिड ए सीरियल नंबर बी फर्स्ट रूम सी टोटल मार्क्स डी अंडरस्कोर परसेंटेज। तो इसमें जो है डी वाला ए आइडेंटिफायर नेम वैलिड है, क्योंकि देखिए सीरियल नंबर में अगर बात करें नंबर के बाद डॉट है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो कोई भी आइडेंटिफायर में स्पेशल कैरेक्टर को नहीं रखता है। बी वाला बात करें उसमें जो है सबसे फर्स्ट जो है वो एक डिजिट है जो कि कोई भी वेरिएबल में डिजिट से कोई भी वेरिएबल का नाम शुरुआत नहीं हो सकता। सी में भी हाइफन जो है एक स्पेशल मार्क है, डी में ए अंडरस्कोर के साथ शुरुआत हो रहा है, तो इसमें कोई भी जो आइडेंटिफायर होता है आ तो वो अल्फाबेट या फिर वो अंडरस्कोर से शुरुआत हो सकता है।